विश्वास जो असंभव को संभव कर सकता है, ये भी विश्वास के धागों से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी है। को अपनी गाड़ी में ऊंट खोल के एक तरफ खड़ा कर दिया और फिर उसको जोड़ अर्जुन को जोड़ा उसको गाड़ी में। अच्छा, और फिर उसने गाड़ी खींची। अच्छा अच्छा तो दोस्तों जैसे कि बाबा ने हमें बताया कि उस टाइम पे लगभग मूवी को बने हुए लगभग 27-28 साल हो चुके हैं। हाँ। उस टाइम पर ये काम किया करते थे और मूवी में भी इन्होंने काम किया था। तो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपके साथ हूँ पी के सत्तान और आप देख रहे हो पी के सत्तान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंचा हूं राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित धौली खान पर। जैसे कि आपने 1995 में रिलीज हुई करण अर्जुन मूवी देखी होगी जहां पर शाहरुख खान और सलमान खान जहां पर पत्थर खींचने का काम किया करते थे। दोस्तों आज हम वही खान पर आए हैं, जैसा कि हमारे पीछे व्यू देख सकते हो, यह है वो खान जहाँ पर करण अर्जुन मूवी में शाहरुख खान और सलमान खान पत्थर खींचने का काम किया करते थे। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो पूरा एरिया है ये खानों का एरिया है और इस जगह को धौली खान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम पूरा आपको रिव्यू देंगे यहाँ के बारे में और आपको बताएंगे कि मूवी के सीन कहाँ कहाँ से किस एंगल से शूट किए गए थे। तो आप वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहना और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है और ये वही खान है जो करण अर्जुन मूवी में दिखाई गई थी। और आप देख सकते हो यहाँ की गहराई है ना, बहुत ही ज़्यादा गहराई है। उस टाइम पे मूवी शूट हुई थी ना तब इतनी गहराई नहीं थी। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर पानी भरा हुआ है काफ़ी सारा। और आप देख सकते हो इधर जो पत्थर पड़े हुए हैं ना, जो आपने मूवी में देखे होंगे, कुछ इसी प्रकार के वो पत्थर थे जो सलमान खान और शाहरुख खान जी जो होते हैं जो खींचने का काम करते थे। और जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा जहाँ पर उनको जो सैलरी बांटते हैं, उनके जो मेन लीडर ओनर रहते हैं वो उनको सैलरी बांटते हैं शाहरुख खान सलमान खान को, और भी लोग जो काम करते हैं उनको सैलरी देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, इसी प्रकार से रास्ता देखने को मिलता है, आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल हमने खान का वीडियो शूट कर लिया है और हमें यहाँ पर एक बाबा मिले हैं जो लगभग 27 साल पहले इन्होंने ऊँट गाड़ी से पत्थर निकालने का काम किया था। तो हम इनसे जानकारी लेंगे उस टाइम पर इनको कितनी सैलरी दी गई थी और उस टाइम 500 रुपये देते थे। हाँ, 400-500 खाना देते थे। अच्छा अच्छा खाना वगैरह। हाँ, खाना भी देते थे। तो बाबा जैसे कि आपने ऊँट गाड़ी चलाई थी उस टाइम? चलाई थी खूब। अच्छा अच्छा हम ही तो चलाते थे, अर्जुन को उसको मैं जोड़ा था गाड़ी में, फिर गाड़ी खींची थी अर्जुन ने। अच्छा अर्जुन ने गाड़ी खींची थी। अच्छा अच्छा आप उनके पास में थे? हाँ वहीं था पास में। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा बाबा। और जैसे कि आपको कितनी सैलरी दी गई थी उस टाइम पे? 500 रुपये शूटिंग के टाइम पे। हाँ 500-500 देते थे रोजाना की। अच्छा रोजाना की 400-500 रुपये देते थे। हमारी मजदूरी हो जाती थी, खान की अलग, खान वाला अलग देता। हाँ। और वो अलग देते और खाना देते थे हमें, रोक लेते थे। तो दोस्तों जैसे कि बाबा ने हमें बताया कि उस टाइम पे लगभग मूवी को बने हुए लगभग 27-28 साल हो चुके हैं। हाँ। उस टाइम पर ये काम किया करते थे और मूवी में भी इन्होंने काम किया था। इनको किया। उस टाइम पे सैलरी दी जाती थी शूटिंग के टाइम पे 500 रुपये पर दिन के हिसाब से। बिल्कुल। और इन्होंने करण अर्जुन को पास से देखा है, खूब पास से, उसको अपनी गाड़ी में ऊँट खोल के एक तरफ खड़ा कर दिया और फिर उसको जोड़ अर्जुन को जोड़ा उसको गाड़ी में। अच्छा। और फिर उसने गाड़ी खींची। अच्छा अच्छा आप और ऊँट को एक तरफ खड़ा कर दिया। अच्छा अच्छा और वैसे भी उनका खाना पानी खाना वगैरह कहाँ बनता था उनका? वहीं खान पे ही। खान पे ही? खान पे ही सारा काम, स्टाफ रहता था उनका, तो गाड़ी जो मजदूर लोग रहते थे उनका सबका सबका। अच्छा अच्छा वैसे कितने दिन चली थी शूटिंग यहाँ पर इस खान में? 5-7 दिन चली थी यार। 5-6 दिन चली थी यहाँ पर शूटिंग। अच्छा तो जैसे कि कितने लोग लिए थे उन्होंने, गांव के लोग कितने लिए थे काम करने वाले? बहुत लिए थे। अच्छा अच्छा 4-4, 5-5 आदमी लेते थे और फिर वो भी आदमी खाना खाते उनको मजदूरी देते। तो उनके साथ में भी काफ़ी आदमी आए होंगे और क्या, जिन्होंने पत्थर खींचने का काम किया था? हाँ। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो आप कितने सालों से यहाँ पर पत्थर खींचने का काम कर रहे हो? मेरे को हो गए कोई 50 साल। अच्छा 50 साल हो गए आपको पूरे?
अच्छा, हाँ, पर उस टाइम पे खान इतनी ओंडी नहीं थी, अभी तो ज्यादा पत्थर वगैरह निकाल दिए, काफी चेंज हो गई है, और ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों जैसे कि आपको बाबा ने यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई, बाबा लगभग 27-28 साल पहले यहाँ पर काम किया करते थे, ऊंट गाड़ी चलाया करते थे, तब ये काम करते थे। मूवी में जब इन्होंने काम किया था ना, इनको डेली की 500 रुपये हाजिरी दी जाती थी, और लगभग इन्होंने 7-8 दिन काम किया था मूवी में। और ये बता रहे हैं कि हमने कर्ण अर्जुन को बिल्कुल हमने पास से देखा है, रियल देखा है, और ऊंट गाड़ी में जोड़ा उसको। अच्छा, ऊंट गाड़ी खींची उसने। अच्छा, तुमने ऊंट गाड़ी में जोड़ा है? हाँ, उसको ऊंट तो खोल लिया हमने और गाड़ी को खड़ी कर दी, फिर गाड़ी के अंदर वो अच्छा अच्छा फिर उसको जोड़ दिया। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों बाबा ने खुद ने ऊंट खोल के और फिर उनको जोड़ा गया था। वहीं खड़े थे जैसे आप खड़े हो ना, वैसे ही पास में। पास में तो यहाँ पर पब्लिक शूटिंग देखने लगी तो बहुत आई होगी? बहुत आई है, बहुत पब्लिक आई थी सर। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा और फिल्म भी बनी है कि यहाँ पे? और तो नहीं बनी है। अच्छा, और नहीं बनी है, यही बनी है? यही। अच्छा, अर्जुन की ही बनी थी, मगर ये 5-7 दिन टिक्के बनी थी, पूरी बना के ले गया अर्जुन। अच्छा, हाँ। वैसे खान का मालिक कौन था उस टाइम पे? वो खान का मालिक तो राम नारायणी थे, अलोर वाले। अच्छा, अलोर वाले थे। हाँ। उनके कॉन्टेक्ट में आए थे ये? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है बाबा। यहाँ पर कितने एरिया में हो गए खान, कितना एरिया होगा? अरे ये पूरा ही एरिया है उस पहाड़ से लगा के। अच्छा, चारों तरफ बीच बीच में पहाड़ तक एरिया खानों का है। अच्छा, पत्थर खींचने काम होता है सब में। चलो बाबा, चलो बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमको इतनी सी जानकारी प्रोवाइड करवाई। खूब बढ़िया, ये तो इसमें तो कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, तो दोस्तों फाइनली अभी बरसात आ गई है, तो इस वजह से हम उसी खान में से आ गए हैं, आप देख सकते हो। और मौसम है ना बहुत ही ख़राब हो गया है अभी। तो अभी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।